शिमला जिला के मोहन सिंह के ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में सगड़ा पुलिस को मिली कामयाबी। हत्या के आरोप में आज गिरफ्तार किया 24 वर्षीय युवक। डीएसपी सगड़ा द्वारा घटनास्थल का दौरा किए जाने पर प्रत्यक्षदर्शियों व परिजनों ने मर्डर को बताया था हादसा। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज हुआ था मामला। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्षों में रिश्तेदारी पर समझौते के चलते हत्या को हत्या नहीं बता रहे थे ग्रामीण। उपमंडल सगड़ा के अंतर्गत आने वाले गत्ताधार में गत 24 अप्रैल को हुए शिमला जिला के गौट गांव के 34 वर्षीय मोहन सिंह की हत्या व ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को आखिर सगड़ा पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद सुलझाया जा चुका है। पुलिस द्वारा जिस मामले में गत्ताधार के साथ लगी चाड़ो बस्ती व गाँव के एक 24 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है और एसपी सिमा रोमापति जम्वाल द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक यही युवक इस हत्या का प्राइम एक्यूज व मुख्य आरोपी है। शुक्रवार से डीएसपी सगड़ा शक्ति सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गत्ताधार व घटनास्थल का दौरा किया गया था और शनिवार को आरोपी हत्यारे तथा उनके परिवार के कुछ लोगों को पुलिस थाना सगड़ा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एसडीपीओ सगड़ा शक्ति सिंह ने बताया कि बाद दोपहर पूछताछ के बाद आज हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार हत्यारे आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है तथा इस मामले अथवा मर्डर से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। हत्या को ब्लाइंड मर्डर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गत 24 अप्रैल को लड़ाई झगड़े की सूचना के बाद जब देर रात पुलिस टीम अथवा डीएसपी सगड़ा गत्ताधार पहुंचे तो शव के आसपास मौजूद लोगों ने उनकी मौत को दुर्घटना बताया और सड़क से गिरा पत्थर उनके सर पर लगने की बात कही। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में रिश्तेदारियां होने व समझौते के चलते कोई भी प्रत्यक्षदर्शी अथवा परिजन हत्या को मर्डर नहीं कह रहा था और क्षेत्र के विभिन्न गाँव में प्रचलित परंपरा के अनुसार गाँव के प्रभावशाली लोगों की बैठक अथवा खुमड़ी में यदि कोई फाइनल डिसीजन लिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी शख्स जुबान नहीं खोल सकता। उस दौरान लोग मृतक के सर पर आरोपी द्वारा क्रिकेट बैट से प्रहार करने अथवा जानलेवा हमले के चर्चे भी कर रहे थे मगर किसी भी शख्स द्वारा इस बारे पुलिस को आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। पुलिस द्वारा हालांकि अब तक इस मामले में मौजूद सीडीआर व डम डाटा जैसे संभावित सबूत तथा रिकवरी को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है मगर हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विभाग द्वारा इन्वेस्टिगेशन तेज की जा चुकी है।